तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू हेयर कट के साथ मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो ये हेयर कट मैंने खुद से किया है, कैसे किया सब कुछ वीडियो डिटेल में जा चुकी है। एंड ये शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा ही लंबा है। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि मैम आप नहीं कट किया ये वो वगैरह वगैरह। तो डियर मुझे इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना था, तो मैंने इतना ही रखा है। और ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, बहुत लोगों ने देखा है एंड सबको अच्छा लगा। जिसको अच्छा नहीं लगा उसके लिए वेरी सॉरी। आज का जो टॉपिक है वो आने वाली है दिवाली, और आज है धनतेरस। जो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के लिए मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग की है, और मैं चाहती हूँ कि दिवाली पे आप देखो बहुत ही ब्यूटीफुल। तो जिसको भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, उनके लिए आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा, जिससे आप मेरा वीडियो देख पाओगे। हेयर कट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फ्रंट से भी कट किया है एंड इतना लेंथ रखा हुआ है मैंने। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और धनतेरस पे मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, खरीदी थी, जिसका ब्लॉग मैं डाल दूंगी दिवाली ब्लॉग में। तो आज का जो वीडियो है, डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल को कैसे हाइड करेंगे मेकअप के थ्रू, बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगी। जैसे कि नेचुरल वे में आप अपने डार्क स्पॉट्स को कैसे हमेशा के लिए हटा सकते हो एंड अपने फेस को, स्किन को ग्लोइंग सॉफ्ट स्मूथ बना सकते हो, एजिंग को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर हैं, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो हेयर कट की बात, हेयर कट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट अभी हेयर कट को रखते हैं पीछे और हम लोग काम करेंगे अपने फेस पे। और दिवाली आने वाली है, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो फोटो वगैरह है या फिर हम लोग सबसे यूनिक एंड खूबसूरत दिखे, तो उसके लिए आपके चेहरे को इवन करना जरूरी है, जिसके लिए आपको अपने डेली स्किन केयर रूटीन के साथ साथ कुछ छोटे मोटे मेकअप स्टेप का भी बारीकी से ध्यान रखना होता है, जो कि हम लोग मिस्टेक ना करें और हमारा मेकअप बिल्कुल नेचुरल एंड ग्लोइंग दिखे। तो सबसे पहले आपको अपना करना होता है स्किन केयर रूटीन, जिसके लिए स्किन केयर में आपको सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है। सेकेंड स्टेप में आपको टोनर देना होता है, अपने फेस पर पूरे अच्छे से लगाना होता है। टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल यूज कर सकते हो। ये गुलाब जल है स्वीट कस्टमाइज का, रोज वाटर है, क्लींजिंग मॉइस्चराइजिंग टोनिंग, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि तीनों इंग्रेडिएंट्स है। सिर्फ आप ये गुलाब जल यूज कर लेते हो तो आपको और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। बट मैं कहूँगी कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो आपको करना है अच्छे से अपनी स्किन की केयर। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने टोनिंग एंड क्लींजिंग कर ली है, तो मॉइस्चराइजिंग भर भर के मॉइस्चराइजर लगाइए अपने फेस, तभी होगा आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग एंड ग्लोइंग। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया है तो क्या हमको प्राइमर लगाना जरूरी है? तो डियर इसका जवाब है हाँ, आपको प्राइमर लगाना बिल्कुल जरूरी है। सिर्फ मॉइस्चराइजर से काम नहीं चलेगा, प्राइमर का काम होता है आपकी स्किन ओपन, आपके ओपन पोर्स को हाइड करना एंड अच्छे से बंद करना, ताकि जो भी मेकअप आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि फाउंडेशन, कंसीलर, वो आपके ओपन पोर्स में जाए नहीं एंड जो आपका फेस का मेकअप होता है वो केकी सा ना हो, तो आपको प्राइमर लगाना जरूरी है। ओके, मॉइस्चराइजर का अलग स्टेप अलग काम है एंड प्राइमर का अलग काम है। तो हमने मॉइस्चराइजर एंड टोनर वगैरह अप्लाई कर लिया है, उसके बाद बारी आती है अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल है, तो आपको कलर करेक्टर यूज करना है। ये कलर करेक्टर मैंने मीशो से मंगाया है, इसका जो MRP रेट है वो 210 रुपये है। बहुत अच्छा कलर करेक्टर है, बहुत इजीली ब्लेंड होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और बहुत अच्छे से आपके पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को, पिंपल्स के मार्क्स को हाइड करता है। ये 190 में मुझे मिला, 210 इसका MRP है, और बहुत ही अच्छा है। प्रो कंसीलर पैलेट है, और देखिए इसमें ये जो सेट ऊपर दिए हुए हैं ये सारे सेट अवेलेबल है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। मैंने सोचा था इसका अनबॉक्सिंग करूँगी वीडियो में, बट कोई सामान मैं नई चीज़ें मंगाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ और मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में, और इस तरीके से घुमा के इसको खोलना है। ऑरेंज कलर करेक्टर है, आपके डार्क एरिया को, डस्ट की स्किन पर जितना भी डार्कनेस होता है, बहुत ज़्यादा डार्क है माउथ के अराउंड, डार्क सर्कल, या फिर स्किन अनइवन है, एक जैसी नहीं है कलर में, तो आप ये ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करके अपनी स्किन को एक जैसी बना सकते हो। सेकंड है ये येलो कलर करेक्टर, इसको आपको कब यूज करना है, जब आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो आप ये येलो कलर करेक्टर यूज कर सकते हो फॉर फेयर स्किन, गोरे लोगों के लिए है। ओके,
थर्ड है ये ग्रीन कलर करेक्ट है। ये कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हमको पिंपल्स की वजह से मार्क्स आ जाते हैं, पिंपल्स की रेडनेस होती है या फिर सेंसिटिव स्किन की वजह से ज्यादा रेडनेस होती है, वहां पे आप ग्रीन कलर करेक्ट यूज करोगे। ये जो ब्राउन है इसको आप कंटूर की जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे कि अपने फेस को बहुत परफेक्ट शेप देने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं अप्लाई करूंगी एंड आपको बताऊंगी। एंड पिंपल्स के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ज्यादा ब्लैक कलर में पिंपल वाले, उनके लिए आप ये पर्पल कलर का कलर करेक्ट यूज कर सकते हो। देखिए जितने भी कलर है उनका क्या क्या यूज है सब मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ज्यादा मेरे स्किन पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ यूज करूंगी येलो कलर करेक्टर फॉर अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। तो उससे पहले आपको अप्लाई करना है प्राइमर। तो प्राइमर मेरे पास जो है वो है हुड्डा ब्यूटी का, एंड मैं बहुत लॉन्ग टाइम से ये प्राइमर यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, लैक्मे का, हुड्डा ब्यूटी का, फिटमी का, सिस ब्यूटी का, ये सारे प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इनका। तो आप इनको यूज कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। तो प्राइमर को मैंने इस तरीके से फैला लिया है एंड यहाँ पे हमारे ओपन पोर्स ज़्यादा होते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है प्राइमर। कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो स्किन केयर रूटीन के लिए तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है ताकि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और जो भी वर्क है उनका वो अच्छे से कर पाए। तो इस तरीके से लगा लिया है प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद एक मिनट तक छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से अपना काम कर पाए, अच्छे से जो इसका वर्क है लेयर अपनी स्किन पे बना पाए। देन इसके बाद हम लोग यूज करेंगे कलर करेक्टर। तो कलर करेक्टर के लिए हम यूज सबसे पहले अपने ब्यूटी ब्लेंडर को आप अच्छे से गीला करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आप सूखे ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करोगे तो सारा प्रोडक्ट आपके ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा और अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होगा, बाद में आपका मेकअप जो है वो फट जाएगा, केकी हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप ब्लेंडिंग करें ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डीप करके 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, उसके बाद सारा पानी निचोड़ लीजिए, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज कीजिए। ओके, तो ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने का सही तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया, सूखा ब्यूटी ब्लेंडर कभी यूज नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ये ब्यूटी ब्लेंडर ऑलरेडी गीला था बट मैं इसको और गीला कर रही हूँ गुलाब जल की मदद से, और जब इसमें पानी जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली फूलने लग जाएगा और बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप वैसे मग में पानी ले लीजिएगा और अच्छे से डीप कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर अपनी फिंगर टिप्स में इस तरीके से ले रही हूँ और अपने डार्क सर्कल पे इस तरीके से अप्लाई करूंगी। यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता रही हूँ डार्क सर्कल को कैसे हाइड करेंगे, बहुत इजी तरीका एंड परफेक्ट तरीका। तो मुझे और कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे डार्क सर्कल की ही प्रॉब्लम है तो मैंने इस तरीके से लगा लिया है। देन ये बिल्कुल न्यू पैकेजिंग है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा से यूज़ कर रही हूँ एंड ब्लेंड करेंगे। डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए पिगमेंटेशन या फिर कोई भी डार्क स्पॉट्स है उसको हाइड करने के लिए हम लोग यूज तो करते हैं प्रोडक्ट, फिर हम सोचते हैं जैसा हमने वीडियो में देखा था वैसा तो कुछ वर्क ही नहीं हुआ। तो डियर आप क्या मिस्टेक करते हो, पहली बात आपने ब्यूटी ब्लेंडर या तो गीला नहीं किया होगा, दूसरी बात आपने बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर दिया और सारा प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया। तो जिस चीज़ से हमको हाइड करना है अपना डार्क सर्कल, अगर आपने वो प्रोडक्ट ही ख़त्म कर दिया तो हाइड कैसे होगा। तो ब्लेंड करना है बट इतना ब्लेंड करो कि आपका जो प्रॉब्लम एरिया है वो अच्छे से हाइड हो पाए। बहुत ज़्यादा ब्लेंड करके अपने प्रोडक्ट को अपने स्किन से निकालना नहीं है, और बहुत कम कई बार हमें क्या होता है कि हमारा जो कंसीलर लगाने के बाद ऑरेंज ऑरेंज सा फीलिंग आता है तो उसके लिए क्या करना है, वो क्यों आता है, क्योंकि हमने ब्लेंडिंग बहुत कम की है और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमारे फेस पे इस वजह से। तो आपको बस इतना ब्लेंड करना है जितना मैंने किया है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उसके वजह से फेस से मैच होता हुआ कंसीलर लोगे और अपने फेस पे अप्लाई करोगे। तो जो कंसीलर है वो है मेरे पास लैक्मे का शेड नंबर 1। इसको मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। तो अभी मैंने ब्लेंडिंग नहीं की है, फिर भी आपको दिख रहा होगा कि जो मेरा डार्क सर्कल है वो काफ़ी अच्छे से हाइड हो रहा है।
इसको हल्के हल्के हाथों से, बहुत जोर जोर से टैप टैप नहीं करना है एंड रगड़ना भी नहीं है, बस टैप टैप करना है। प्रोडक्ट को उसी जगह पे ब्लेंड करना है, ना कि प्रोडक्ट को अपनी जगह से निकालना है और ना ही उसको रब करना है। तो आप कैमरे में देखो, मैंने बिल्कुल भी फिल्टर नहीं लगाया है एंड बिल्कुल नेचुरल कैमरे में मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा जो डार्क सर्कल है वो बहुत अच्छे से हाइड हो चुका है ना। जहाँ पे आपको लगे कि कंसीलर कम लग रहा है वहाँ पे आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो थोड़ा सा, और अपर लाइन पे जैसे आईज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा कंसीलर भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आईज मेकअप करोगे तो प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए आईज के ऊपर, फेस पे नहीं, ना ही किसी और एरिया पे। फेस पे आपको बहुत कम प्रोडक्ट यूज करना है, अगर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड केकी होने से बचाना है तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत कम कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट आपके फेस पे अप्लाई करना है। तो अभी जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है वो अच्छे से हाइड हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा बिफोर एंड आफ्टर, जो आपने पहले मेरी वीडियो में देखा फोटो, जूम वीडियो को बैक करके जाओ और देखो, डार्क सर्कल जो है बहुत अच्छे से हाइड हो चुका है। इसके बाद हम लोग अपना कंसीलर अप्लाई करेंगे एंड डेस्ट्रेट मेकअप को सेट करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने बताना था कि डार्क सर्कल को कैसे हाइड करेंगे। तो डार्क सर्कल बिल्कुल अच्छे से हाइड हो चुका है मेकअप के थ्रू। अगर आप डार्क सर्कल पिगमेंटेशन स्किन को एक तरीके एक बराबर कलर में करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मुझे बस आईज के आसपास में प्रॉब्लम थी तो मैंने इस तरीके से किया। एंड अगर आपको फेस माउथ के अराउंड है, फोरहेड पे है, कहीं भी छाइयों वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो अपने सारे डार्क एरियाज पे, और अपने डार्क मेकअप के थ्रू अपने मेकअप को इस तरीके से अप्लाई करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट वे में बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा आपको। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिवाली मेकअप जाने वाली है तो आज का जो वीडियो था उसमें सिर्फ मैंने ये बताया है कि कैसे आप अपने डार्क सर्कल को, डार्कनेस को, पिगमेंटेशन को हाइड करोगे फॉर मेकअप थ्रू, मेकअप के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।